आजमगढ़ में सपा के MY समीकरण की लड़ाई बीजेपी के MY समीकरण से होगी। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के अजय MY समीकरण की काट के लिए अपना MY समीकरण तैयार कर लिया है। हर गली हर चौराहे और हर नुक्कड़ पर बीजेपी अपने MY समीकरण के नाम पर ही लोगों से वोट मांग रही है। यहाँ तक कि आजमगढ़ में निरहुआ अपने नाम पर नहीं अपने MY समीकरण के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या है बीजेपी का MY समीकरण जिस पर बीजेपी इस बार आजमगढ़ में इतना ज्यादा इतरा रही है? लोगों को छोड़िए, निरहुआ ने अपनी दोस्त और भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे को भी चुनाव प्रचार के लिए बुलाया तो उनको भी बीजेपी के MY समीकरण के बारे में बताया। इस बार MY फैक्टर चलेगा, मोदी जी योगी जी यही चलेगा और मैं यही कामना करती हूँ। और समाजवादी पार्टी के MY समीकरण का मतलब है मुस्लिम और यादव। बीजेपी ने अखिलेश यादव के इस समीकरण की काट के लिए जो MY समीकरण बनाया है उसका पूरा नाम है मोदी और योगी। मोदी मतलब M, योगी मतलब Y। दिनेश जी का ही एक जो गाना जो दिनेश जी गाते हैं ज्यादातर वो ही वाला गाना चाहूंगी। रहने देती हूँ, गाना छोड़ देती हूँ। दो लाइन दो लाइन तो दूसरा गाना गाती हूँ, वो वाला गाना छोड़ा, कल्लू जी वाला गाना गाती हूँ। सीधे कमल का बटन दबाना है, निरहुआ जी को जिताना है, सीधे कमल का बटन दबाना है। ये दो लाइन में ही मेरी सारी बातें मैंने लोगों को बोल दी है कि प्लीज सीधे जाइए 23 तारीख को। ठीक है, थोड़ी दोपहर होगी, गर्मी लगेगी, पर फिर भी आपको अपने आजमगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए और सही कैंडिडेट को वोट करना चाहिए। तो सीधे कमल का बटन दबाना है और निरहुआ जी को जिताना है। धन्यवाद। लगातार भोजपुरी फिल्मों में लगातार सवाल उठते रहे हैं कि अश्लीलता परोसती जाती है, लगातार लोग कमेंट आते हैं, इससे आकर जाता है। नहीं, वो एल्बम के लिए लोग बोलते हैं, फिल्मों के लिए अब बोलना छोड़ दिया लोगों ने, क्योंकि फिल्म से रिलेटेड होता है ये सेंसर बोर्ड। बिना सेंसर बोर्ड में पास हुए कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाती है और उसके बाद उसको सेंसर सर्टिफिकेट मिलता है कि वो कौन से जॉनर की फिल्म है और उस हिसाब से फिल्म ऑडियंस के सामने प्रस्तुत की जाती है। तो अब कोई भी सेंसर बोर्ड जो कि एकदम एक सरकारी संस्थान है वो तो गलत कोई चीज डिसाइड करेगी नहीं। तो सेंसर बोर्ड जो चीज को पास करके लोगों के सामने लेके आती है वो कभी अश्लील या खराब नहीं हो सकता है। और अगर आप लोग आरोप लगाते हैं कि अश्लील है तो वो लोगों ने कई समय से देखी नहीं है फिल्में, तो उनको पता नहीं कि आज की तारीख में कैसी फिल्में बन रही है। वो बस YouTube पे भोजपुरी टाइप करते हैं, उन्हें जो दिखता है उसी से जज कर लेते हैं भोजपुरी फिल्मों को, पर ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है और मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी लाइन से फिल्में राजा बाबू अजीत जी थोड़ा 2 सेकंड रुकने बोलिए ना। बहुत सारी फिल्में हैं मेरी, निरहुआ हिंदुस्तानी 1, 2, 3 है, राजा बाबू है और ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ भी अश्लील नहीं है और बहुत अच्छी फैमिली एंटरटेनमेंट ड्रामा फिल्म है। तो आप लोग प्लीज फिल्में भी देखिए, लेकिन फिलहाल वोट करने पर ध्यान दीजिए, 23 तारीख को वोट दीजिए प्लीज। आखिरी आजमगढ़ में MY फैक्टर बहुत हावी है, मोदी होगी नहीं मुस्लिम होगी, तो इसको आप किस तरह से? इस बार MY फैक्टर चलेगा, मोदी जी योगी जी यही चलेगा और मैं यही कामना करती हूँ। 2019 में भी मोदी और योगी थे, 2022 में भी मोदी और योगी थे, वैसे तो 2014 में भी थे, लेकिन आजमगढ़ में कभी भी मोदी और योगी वाला MY समीकरण नहीं चला। भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भूतकाल के सारे रिजल्ट बताते हैं कि आजमगढ़ में केवल मुस्लिम और यादव वाला ही MY समीकरण चला है। मोदी और योगी का समीकरण जब अपने पूरे शबाब पर था तब भी फेल हो गया था। इस बार तो आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीटें सपा के पास हैं। लोकसभा उपचुनाव में क्या होगा, किसका MY समीकरण काम करेगा, ये तो रिजल्ट बताएगा। दोस्तों, आम्रपाली दुबे ने आजमगढ़ में घूम घूम कर भाषण दिया, वोट मांगे, कैसे वोट मांगे वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे। आप कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से अखिलेश यादव का MY समीकरण चलेगा या बीजेपी का MY समीकरण आजमगढ़ में काम करेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपनों में शेयर कीजिए और गोदी मीडिया से होशियार रहिए। गोदी मीडिया की हर बात में अपने मालिक के लिए वफादारी है, वो हर लफ्ज में आपके पक्ष की खबर बताकर अपने मालिक से धोखेबाजी नहीं करेगा, वो हर बार वफादार रहेगा और अपनी वफादारी का इनाम पाएगा।
धन्यवाद।